कि हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है अंकल, ये हमें मजीद गाइड करेंगे। जी अंकल बताएं। मैं तो प्राइवेट बना जी। अच्छा मैनू एडा एडा पता कौन नहीं है। मैं आया गुजरांवाले डसके शहर। इस वक्त हम मौजूद हैं टेक्सला में। तो टेक्सला का ये वो मुकाम है जहाँ पर आपको एक साथ टेक्सला म्यूज़ियम भी मिलेगा और कुछ किलोमीटर के फासले पर आपको स्टूपस वगैरह नज़र आएंगे। तो अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये मेन जो रोड HIT से हम अंदर आते हैं उसके साथ ही एक लिंक रोड अंदर जा रहा है, मैं उस पर खड़ा हूँ। बिल्कुल मेरे दाएँ साइड पर आप देख सकते हैं टेक्सला म्यूज़ियम, जिसको अभी अभी हमने कवर किया है। वो भी इंशाल्लाह आपको हमारे जो प्रीवियस जो हमारा व्लॉग है उसमें आपको देखने का मिलेगा। और जो अभी हमारा नेक्स्ट जो मंजिल है वो है यहाँ पर, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक स्टूपा है धर्माराजी का स्टूपा। तो अब हम उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो वो यहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के दूरी पर है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। इस वक्त हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, धर्माराजी का स्टूपा। तो ये जो रोड है ये मेन SIT वाला रोड नहीं है, ये हम यहाँ से टेक्सला म्यूज़ियम के साथ आप राइट टर्न होते हैं और थोड़ा सा आगे आकर कुछ मीटर से दोबारा लेफ्ट टर्न हो जाते हैं। तो रोड बड़ा साफ सुथरा सा रोड है और प्लेजेंट सा रोड है। साइड्स पर इसके कोई आबादी वगैरह नहीं ज़्यादा। यहाँ पर आपको जो है वो पहाड़ी सिलसिले देखने को मिलेंगे और बागात वगैरह मिलेंगे। मौसम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड का। हमारा आपको पता है कि बाइक पर सफ़र करने की जो सबसे मेन मज़े वाली चीज़ है वो यही है कि आप रास्ते में हवा मिलती है। अगर आपको हवा नहीं मिलती तो धूप जो है वो आपको सामने से हिट करती है, और वो आपको भी पता होगा जो बाइकर हजरात है वो तो कितना टफ टाइम देती है। टफ टाइम धूप तब देती है जब बाइक कहीं खड़ा हो और सीट उसकी गर्म हो, फिर जो टफ टाइम देती है वैसा टफ टाइम मैंने कभी नहीं। आपकी जो तशरीफ है वो इस कवर नहीं छोड़ती कि आप कहीं और रख सके। तो ये आप देखते होंगे हमें एक बोर्ड भी नजर आया धर्माराजी का स्टूपा का, एक तो कुछ मीटर्स पर ही धर्माराजी का स्टूपा है। अब काफी करीब है मंजिल के, तो ऑलमोस्ट व्यूअर्स हम पहुंच चुके हैं। ये हमें एक तीसरा बोर्ड नजर आ रहा है धर्माराजी का स्टूपा का, तो आई थिंक हम काफी क्लोज है इसके। तो यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे इस तरफ, तो फाइनली व्यूअर्स हम पहुँच चुके हैं। तो व्यूअर्स हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं धर्माराजी का स्टूपा में, और ये हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है अंकल, ये हमें मजीद गाइड करेंगे। जी अंकल बताएं। मैं तो प्राइवेट बना जी। अच्छा मैनू एडा एडा पता कौन नहीं है। अच्छा। मैं आया गुजरांवाले डसके शहर तो एडा कोई नहीं मैनू पता, लेकिन उत्ते गाइड है ने। अच्छा जबरदस्त मौसम है, मौसम भी बहुत अच्छा है और ट्रैक भी बहुत खूबसूरत है। ये जो अभी आपको मकाम जिधर मैं खड़ा हूँ आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड पे, ये स्टूपा बना हुआ है। ये बेसिकली स्टूपा बोला जाता है कब्र को, तो ये बेसिकली उनकी कब्र है। और ये मोंक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिनकी ये इबादत गाहें हैं। जिस तरह मुसलमानों के लिए मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जिस तरह अहमियत रखता है, सेम उसी तरह इन बुद्ध मत लोगों की तरफ ये जो मकाम है सेम मक्का शरीफ की तरह उनके लिए भी अहमियत रखता है। तो वो यहाँ पर आते हैं, जिस तरह मुसलमान अपने मक्का शरीफ का तवाफ़ करते हैं सात चक्कर लगाकर, सेम वो लोग भी इस तरह इधर आकर सात चक्कर लगाकर इसका तवाफ़ करते हैं। तो अब दीवारों में टोटल जो है वो नक्शा निगारी की गई है,
कुछ जगहों पर आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाए गए हैं, और पीछे जो है वो पीछे एक जगह है वो भी आपको दिखाते हैं। तो वहाँ पर जो है ज़्यादा इनके जो महात्मा बुद्ध वगैरह हैं, जो स्टैचू हैं उनके, एलिफेंट की शक्ल के, मंकीज की शक्ल के, उनकी तस्वीरें ज़्यादा बीच में। जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ और ये एक छोटा सा ऊपर बेंच बना हुआ है, तो बेसिकली ये जिस तरह हम मुसलमानों में होता है एक मिंबर, और इसी तरह ये जो है ये बुद्ध मज़हब के यहाँ पर जो पैरोकार हैं और उनके जो महात्मा था या उसके बाद आने वाली जो उसकी मजीद पीढ़ियाँ थी या जिस तरह भी इनका सिस्टम चलता रहा, तो वो शख्स यहाँ पर बैठ के जो इनका बड़ा रहनुमा था वो इधर बैठ कर खुतबा दिया करता था। पूरी सिविलाइजेशन थी जो यहाँ पर बात थी, ये बहुत सारे लोग थे, और इसकी जो तारीख है अलमोस्ट 4500 साल, यानी कि कबले मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी पहले। देख रहे होंगे ये छोटा सा कमरा है, और इसके अंदर जो है ना गौतम बुद्ध बोर्ड लगा हुआ है साइड पर, चूने से बने हुए गौतम बुद्ध के पांव। तो बेसिकली ये जो गौतम बुद्ध है ये इनका सबसे बड़ा बुद्ध है, और यहाँ पर अभी इसका धड़ मौजूद है, धड़ से भी नीचे का हिस्सा जो पांव वगैरह वो मौजूद हैं, और जो इसका हेड है वो टेक्सला म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। अभी यहाँ करीब से दिखाते हैं आपको। हाँ ये देखें, ये सिर्फ इसके पांव यहाँ पर मौजूद हैं, इधर दिखाएँ, ये सबसे बड़ा जो बुद्ध था 7 फुट वाला, सिर्फ उसके पांव मौजूद हैं, और जो उसका हेड है वो टेक्सला म्यूजियम में है इस वक्त। दरख्त देख रहे होंगे, ये कोई आम दरख्त नहीं है, इसको बोला जाता है बुद्धा ट्री। तो बेसिकली ये जो है ये इन लोगों के लिए जो बुद्ध मज़हब के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अकीदत का हामिल है ये दरख्त, और यहाँ पे इसको इस तरह से इसको नस्बत दी जाती है कि कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध आया था तो उसने इसके नीचे यहाँ पर पनाह ली थी, यहाँ पर कंग्रेस था जिसने दोबारा इसको यहाँ पर दोबारा जड़ लगाई, और इसकी जो इस वक्त उम्र बताई जा रही है वो ऑलमोस्ट 180 साल है। आपने बहुत सारे गार्ड रूम देखे होंगे, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये इस तहजीब में अगर उस तरफ तालाब है, और ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा जो होलो टाइप है ये गार्ड रूम है बेसिकली। इसका अभी कैमरा मैन आपको दिखाएगा तो किस कदर ये तंग और जो है ना पेचीदा सी जगह है। तो व्यूवर्स, ये जो एरिया है इसका धर्मा राजी का स्टूपा का, ये मिनिस्ट्री एरिया है, यहाँ पर बेसिकली ये सारा एरिया ये तालीम के लिए मुख्तस था। ये बीच में एक तालाब दिया गया है, इसके साइडों पे चारों तरफ ये कमरे बने हुए हैं तालीम के लिए, तालीम के हसूल के लिए खानकाहें बनी हुई हैं। तो ये सारा एक यूनिवर्सिटी का एरिया है, और ये टेक्सला के जो 7-8 स्टूपे हैं उनमें से ये एक है धर्मा राजी का। तो बाकी जो स्टूपास वगैरह हैं वो सारे इसकी बैक साइड पर, सिरकप वगैरह और जो दूसरे स्टूपे हैं वो सारे इसी से आगे बैक साइड पर पहाड़ के साथ चलते जाते हैं। सोचा भी नहीं जा सकता 180 साल पुराना दरख्त है ये तो 180 साल है। वैसे ये सिविलाइजेशन 4000-4500 साल पहले की है, और सोचा भी नहीं जा सकता उस वक्त यूनिवर्सिटीज और उस वक्त लोगों ने इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की। यूनिवर्सिटी मौजूद है यहाँ पर, और भी बहुत सारे मतलब हर चीज़ जो आज के दौर की ज़रूरत है,
तालाब, यूनिवर्सिटीज और इबादतगाहें और खानकाहें, जो आज के दौर के जो हम आजकल जो चीजें देख रहे हैं वो आज से 4500 साल मतलब ईसा से भी कई हजार साल पहले जो जदत आज थी वो पहले भी लोग जदीद थे, पहले भी सब चीजें थी, फना हुआ है, तीन दफा ये जगह तबाह और तीसरी दफा अभी हम जहाँ पर मौजूद है ये तीसरा शहर है, इससे पहले दो शहर तबाह हो चुके हैं जो जेर जमीन है और उसके बाद जो है अभी हम लोग आबाद हैं इस जगह। बहुत जबरदस्त यार, हर चीज एक्यूरेट, हर चीज प्लानिंग के साथ, जैसे हम आज देखते हैं सोसाइटीज वगैरह बहरिया डीएचए को हम देखते हैं प्लानिंग के साथ बना रहा है, तो ये वो सिविलाइजेशंस हैं जो आज से हजारों साल पहले भी प्लानिंग के साथ प्लान्ड सिटी, ये आज से हजारों साल पुराने प्लान्ड सिटी है, तो देखा जाए तो वो लोग भी अपने वक्त में अरूज पर थे, अरूज पर थे बहुत ज्यादा। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम नक्शों की मदद से, कंप्यूटर की मदद से ये डिजाइन बनाते हैं जो उन्होंने 4500 साल पहले, वो भी ऑलमोस्ट नक्शे कंप्यूटर पर नहीं होते होंगे पर टोटल प्लान से किया, टोटल प्लान। तो चलिए आगे मजीद एक्सप्लोर करते हैं। तो व्यूवर्स ये एक छोटा सा एरिया, ये यहाँ पर भी दो बुद्ध मौजूद हैं और ये स्टैचू है महात्मा बुद्ध के, ये फिलहाल तो जगले में बंद है, ऑफ कोर्स जब वो लोग आते हैं जो इस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए खोला भी जाता है, पर फिलहाल ये बंद है। तो यहाँ पे जो इनकी इबादत का सीन है वो कुछ इस तरह है कि इसकी जो पेट की जो नाफ होती है, कहा जाता है कि उसके अंदर ये लोग अपनी उंगली रखते हैं और पैसे भी रखते हैं और फिर जो है अपनी मतलब दुआएं वगैरह मांगते हैं और इबादत करते हैं। ये चौरसा, ये तालाब है बेसिकली। तो ये जो अकीदतमंद इनके आते हैं हिंदू लोग या बुद्ध मत लोग मुख्तलिफ मुल्कों से, थाईलैंड से, चाइना से, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तो इस मज़हब के अकीदतमंद रहे नहीं, तो जो यहाँ पर इनके अकीदतमंद है वो दूसरे मुल्कों से ही आते हैं, या इंडिया से या फिर नेपाल थाईलैंड वगैरह से। तो वो जब पुराने वक्तों में यहाँ पर आया करते थे तो यहाँ पर उनकी कोई मजहबी रसूमात हुआ करती थी, इस तालाब में वो पाक होने के लिए, जैसे आपने सुना होगा गंगा वगैरह का जिक्र, तो ये उसी तरह ही है, यहाँ पर वो पाक होने के लिए नहाते भी थे। और ये छोटे छोटे आप जो है ना ये देख रहे हैं, ये सुराख बने हुए हैं गड़े टाइप, आई थिंक ये 7 से 8 सुराख है। तो इस जगह पे यहाँ पर कहा जाता है कि इधर बनाओ संगार के जो आइटम्स हैं, मेकअप किट्स वगैरह, वो देसी चीज़ों से, देसी जड़ी बूटियों से वो चीज़ें तैयार की जाती थी और शायद वो अपने ऊपर भी अप्लाई करते होंगे। और जो उनका मेन मकसद था, अकीदत थी, वो ये थी कि ये जो आप देख रहे हैं ये साइड पर ये स्टूपे वगैरह जहाँ पर ये महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध वगैरह के स्टैचूज बने, इनको भी ये कलरफुल किया जाता था, उसको रंग लगाते थे, तो ये सब इनकी जो है मजहबी रसूमात का हिस्सा थी। छोटे छोटे दो पॉन्ड्स हैं, तो ये उस वक्त के धोबी घाट हैं। यहाँ 4000 साल थोड़ा टाइम, तो मेरे पीछे आप लोग जो देख रहे हैं ये छोटा सा एरिया, इसके अंदर 2 से 4 ऐसे बुत महफूज किए गए हैं कि जो मतलब इस पूरे और सिविलाइजेशन में कहीं देखने को नहीं मिले। तो इसका बेसिकली ये भी जो बनाए गए हैं चूने की मदद से बनाए गए हैं, इनका जो मकसद है इसमें थोड़ा सा जो है गौतम बुद्ध उसकी ज़िंदगी में मतलब जो अपनी अकीदत दिखाई जाती है लोगों की, तो उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो स्टैचू मौजूद थे कहा जाता है वो इस तरह थे कि यहाँ पर एक घोड़ा था, घोड़े का स्टैचू था, तो वो घोड़ा जो है वो अपने आका गौतम बुद्ध उसके पाँव चूम रहा है, तो इस किस्म का यहाँ पर स्टैचू मौजूद था। और यहाँ पर अभी भी 2 स्तून मौजूद हैं जो कि अपनी असली हालत में वही पुराने मौजूद हैं यहाँ पर, और बाकी जो यहाँ पर गौतम बुद्ध के जो मुजस्मे थे वो यहाँ से हटाकर म्यूज़ियम में शिफ्ट कर दिए गए हैं। ओवरऑल यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी सिविलाइजेशन थी जो आप टेक्सला म्यूज़ियम का जो आप हमारा रिव्यू देखेंगे उसमें आपको जो कुछ भी नज़र आएगा, एक्चुअली वो सारे बुद्ध, वो सारी यहाँ से जो खाने पकाने की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें, वो सब चीज़ें यहाँ से ही उठाकर, और भी जो इस तरह के सिविलाइजेशन आगे सिरकप वगैरह, तो वहाँ से उठाकर ये म्यूज़ियम में मुंतकिल की गई। ये एक
मुरब्बा टाइप एक इबादतगाह इनकी बनी हुई है। इस पूरी इबादतगाह में बेसिकली कि ऐसे चौरस शेप में है, तो इसकी जो दीवार है ना चारों साइड से, उस पर छोटे 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 ये स्टैचूज वगैरह बने हुए हैं। ये इनके जो हैं देखें, जैसे अब ये बना हुआ है, आई थिंक ये बुद्धा बना हुआ है, इसने ऐसे जैसे कोई वज़न उठाया होता है, तो इस तरह इनकी मुख्तलिफ शक्लें बनाई हुई हैं। अब वो सामने एक छोटा सा स्टैचू बना हुआ है, वो बैठने के अंदाज़ में उसका स्टैचू है, तो कुछ घोड़े की शक्ल, उसके बंदर की शक्ल और एलिफेंट्स वगैरह की शक्ल है। तो बेसिकली इसमें जो इधर जो इनका इबादत का तरीका था वो भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये आप थोड़ा सा नज़दीक आए मेरे, तो ये आपको दिखाते हैं। ये आपको एक हॉल नज़र आ रहा होगा, एक ये हॉल, ये हॉल है। तो इस तरह के तकरीबन ऑलमोस्ट एक साइड पर 4 से 5 हॉल है। तो इस इन जो हॉल हैं, बेसिकली तरीका इनका ये था कि ये इन हॉल में ऐसे उंगली रख के, तो यहाँ पर जो है वो अपनी दुआएं वगैरह मांगते थे, इबादत वगैरह करते थे। तो बेसिकली ये इस जगह पर इनका ये इबादत करने का एक तरीका था। जैसे मैंने पीछे आपको बताया वो एक बुद्धा था, उसकी नाव में उंगली रख के, तो यहाँ पर ये जो है दीवारों में सुराख है, यहाँ पर उंगली रख के, तो बड़े मतलब इनके अपना तरीका था इबादत करने का। कहीं पर ये अपना सर साथ लगाते हैं, कहीं पर ये उंगली वगैरह रख के, तो मुख्तलिफ तरीके से ये लोग इबादत करते थे। डिस्कशन मुबीन भाई जो पहले भी हुई थी कि देखें मतलब प्लांट सिटी है, जैसे हजारों साल पहले की छोटी चीज नहीं है, ऐसे ही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि इतने हजार साल पहले भी एक प्लांट सिटी यहाँ पर मौजूद है। तो यही टेक्सला की खूबसूरती है, ये टेक्सला हेरिटेज है, आसार कदीमा, आलमी विरसा है, आलमी सकाफती विरसा है। तो आप लोग भी आए यहाँ पर, आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और बहुत सारा जैसे इंसान जिंदगी में नॉलेज है, तो ये एक अलग प्लेस है। यहाँ पर आप आएंगे आपको पाकिस्तान के बाकी सिटीज़ में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ये टेक्सला हमारी मौजूद है। तकरीबन आज से 5000 साल पहले दुनिया में बहुत कम जगह थी जो आबाद थी, और ये ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का ज़माना तकरीबन है। तो उन वक्तों में जो आबाद इलाके थे उनमें, उन इलाकों में से एक इलाका ये हमारे इस पाकिस्तान में टेक्सला का। उस वक्त लोग मुबीन रहते थे जंगलों में, घारों में, गारों तो ये छोटी बात नहीं थी कि मतलब एक आबादी शहर की तरह भी मौजूद है। आज तकल तो आपको हर जगह पर बड़े से बड़े शहर देखने को मिलते हैं, तो ये उस वक्त शहर का होना एक बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं थी। ये शहर जो थे ये हजारों मील के फैसलों पर कोई एक आधा शहर आपको मिलता था। तो अब आपके सामने हजारों साल पहले जो आबाद थे, अब वो एक इबरत का निशान बन के रह गए हैं। तो यहाँ से इबरत भी बहुत मिलती है, बेशक हम जितनी मर्जी, अब ये भी छोटी ऊंचाई नहीं रखता, कम से कम 30-40 फुट इसकी भी ऊंचाई है। तो आज हम भी जो कर रहे हैं, हम भी इस तरह 50 फुट 100 फुट की इमारतें बना रहे हैं, 10-10 मंजिला, 100-100 मंजिला, हमारी कोशिश तो यही है ऊंची से ऊंची मंजिलें बनाएं। तो एट द एंड जाना हम अपने रब की तरफ है, ये सब चीजें इधर ही रह जानी है जैसे हजारों साल पहले लोगों की रह गई। भाई ये कि अगर आपको वाकई सारे कदीमा से और जो पुरानी मकामात हैं उनसे अगर आपको लगाव है, तो उनमें से एक बेस्ट प्लेस है ये, आए और आपके आकर विजिट करें और बहुत मजे की। इधर आपको गाइड करने वाले भी मिलेंगे, इधर आपको बकायदा डिटेल से बताया जाएगा, और कोई भी आपको ओवरऑल इस जगह पे आपको आप जब आएंगे तो आप मुकम्मल सेटिस्फाइड वापस जाएंगे। यह मसला नहीं है कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ चीजें देखने में या पहचानने में मसला होगा, यहाँ पर बहुत सारे गाइड्स मौजूद हैं जो आपकी हेल्प के लिए गवर्नमेंट ने तैनात किए हैं। तो व्यूअर्स फाइनली ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मैंने और मुबीन ने गर्मी में आपके लिए मेहनत की, छोटी से छोटी डिटेल वाली जगह आपको दिखाने की कोशिश की। तो आप हमारा काम लाजमी पसंद कीजिएगा, और अगर हम काम हमारा आपको वाकई पसंद है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।